में सबसे पहले बात अमेरिका और रूस के बीच हुई हवाई भिड़ंत की। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर ने यह दावा किया है कि अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर रूस की सीमा की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन एन वक्त पर रूस के लड़ाकू विमान ने उनका खेल बिगाड़ दिया। रूस और अमेरिका के परमाणु विमानों के इतने नजदीक पहुंचने से दुनिया में खलबली मची हुई है। आसमान में जब रूस के लड़ाकू विमान अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बरों के पीछे पड़ गए तो क्या हुआ? आसमान में एक तरफ रूस का सिर्फ एक फाइटर जेट, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के दो न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस के फाइटर जेट ने आसमान में अमेरिका के दोनों लड़ाकू विमानों को घेर लिया। रूस के फाइटर पायलट ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका के बॉम्बर भाग खड़े हुए? अमेरिका और रूस के विमानों की इस भिड़ंत से ऐसा लगा जैसे एक नई जंग शुरू हो गई, एक ऐसा युद्ध जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत साबित होगा। अमेरिका से युद्ध का मतलब होता नाटो से युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसकी शुरुआत तो आसमान से होती, लेकिन आसमान से लेकर धरती और समंदर तक सुलग उठते। रूस के द नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर ने बहुत बड़ा दावा किया है। द नेशनल डिफेंस कंट्रोल रूस के रक्षा मंत्रालय के मातहत काम करता है, जिसके मुताबिक रूस के सिर्फ एक लड़ाकू विमान ने अमेरिका के दो न्यूक्लियर बॉम्बरों को भागने पर मजबूर कर दिया। रूस के द नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अमेरिका और रूस के विमानों के बीच के भिड़ंत बाल्टिक सागर के ऊपर हुई। दावे के मुताबिक अमेरिका के दो B-1B बॉम्बर रूस की सीमा की ओर उड़ान भर रहे थे। इन बॉम्बर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस की तरफ से एक Su-27 फाइटर जेट को उतारा गया, और Su-27 फाइटर जेट के आसमान में मोर्चा संभालने के बाद अमेरिका के दोनों बॉम्बर भाग खड़े हुए। अमेरिका के B-1B बॉम्बर को महाशक्तिशाली विमान माना जाता है। B-1B बॉम्बर को लेकर दावा किया जाता है कि ये विमान एक बार की उड़ान में दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकता है। इस बॉम्बर को घातक सटीक स्ट्राइक करने में माहिर माना जाता है। ये बॉम्बर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अपने इस न्यूक्लियर बॉम्बर को किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। रूस के द नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अमेरिका की यही B-1B बॉम्बर बाल्टिक सागर के आसमान में रूस की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे आगे बढ़ते देख दोनों विमानों के पीछे रूस का एक लड़ाकू विमान पड़ गया। इस घटना के सामने आने के बाद B-1B बॉम्बर के रेडार क्रॉस सिग्नेचर वाले दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका दावा करता है कि B-1B बॉम्बर का रेडार क्रॉस सिग्नेचर भी काफी कम है, जिसके चलते दुश्मन के रेडार की पकड़ में आने की संभावना भी बहुत कम होती है। लेकिन रूस के द नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक रूस के रेडार ने अमेरिका के दोनों B-1B बॉम्बर के मूवमेंट को पकड़ लिया। रूस के नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर का दावा है कि रूस के रेडार ने दोनों बॉम्बरों को बाल्टिक सागर के ऊपर रूस की सीमा की ओर बढ़ते देखा। रेडार से सिग्नल मिलते ही रूस का बाल्टिक फ्लीट एक्टिव हो गया। इन विमानों को खदेड़ने के लिए बाल्टिक फ्लीट के एक Su-27 फाइटर जेट ने मोर्चा संभाल लिया। चंद मिनटों में बाल्टिक सागर के ऊपर आसमान में एक तरफ अमेरिका के दो B-1B बॉम्बर आगे बढ़ रहे थे, वहीं उनकी बढ़त को रोकने के लिए दूसरी तरफ रूस का Su-27 फाइटर जेट उतर गया और रूस की हवाई सीमा से अमेरिका के बॉम्बरों को खदेड़ने के बाद ही लौटा।
रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद अमेरिका और रूस के विमानों के बीच भिड़ंत की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले रूस के लड़ाकू विमान अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के विमानों से भी टकरा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रूस के विमान कैसे जंग जैसे रुख अख्तियार कर लिए हैं, आगे बढ़ने से पहले इसे जान लेना जरूरी है। हाल में सीरिया के आसमान में रूस का Su-30 फाइटर जेट अमेरिका के लड़ाकू विमान F-16 से भिड़ गया। वहीं दूसरी ओर बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के पास रूस के 3 फाइटरों को आगे बढ़ते देख नाटो के विमान उनके पीछे पड़ गए। तीसरी घटना काला सागर के ऊपर की है, जहां ब्रिटिश वायुसेना के जासूसी विमान RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान को रूस के Su-27 विमान ने भागने पर मजबूर कर दिया। रूस की वायुसेना के हालिया इन तीनों भिड़ंतों पर गौर करें तो एक समानता साफ देख जाती है, रूस के लड़ाकू विमान अमेरिका, एस्टोनिया और ब्रिटेन के साथ भिड़े। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है, एस्टोनिया यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहा है, ब्रिटेन ने भी यूक्रेन की मदद में अपने हथियारों के गोदाम के मुंह खोल रखे हैं। अमेरिका, एस्टोनिया और ब्रिटेन तीनों नाटो के सदस्य देश हैं, तीनों यूक्रेन के मददगार देश हैं और रूस के दुश्मन नंबर 1। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस अब खुलकर नाटो से जंग लड़ने पर उतारू हो गया है? ये सवाल इसलिए भी बड़े बन गए हैं क्योंकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि रूस के विमानों ने सीरिया के आसमान में अमेरिका के फाइटर जेट को 2 बार इंटरसेप्ट किया है। अमेरिका ने इस घटना का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस का पायलट अमेरिकी जेट के 2000 फीट के दायरे में आ गया है, जो अमेरिका और रूस के बीच तय प्रोटोकॉल को तोड़ने वाला है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल एरिक कोरेला ने चेतावनी दी कि रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार सीरिया तक कर सकता है। सीरिया में रूस और अमेरिका के बीच टेंशन और बढ़ सकती है। अमेरिका ने इस भिड़ंत को 2 अप्रैल का बताया है। अमेरिका के मुताबिक रूस का Su-35 विमान मिसाइलों से लैस होकर अमेरिका के F-16 विमान को इंटरसेप्ट करने में लगा था। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ग्रीन केविच के बयान के मुताबिक रूस का Su-35 अमेरिका के F-16 विमान के 500 फीट के दायरे में आ गया था, यानी अमेरिका और रूस के बीच युद्ध सिर्फ 500 फीट ही दूर था। दावा तो यहां तक है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सीरिया के ऊपर रूस के विमानों ने अमेरिकी जेट्स को 2 अलग अलग मौकों पर इंटरसेप्ट किया है। अमेरिका ने उन दोनों मौकों का वीडियो भी जारी कर दिया है। वहीं सीरिया से 4500 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर में रूस के 3 लड़ाकू विमान नाटो देश एस्टोनिया के बेहद नजदीक पहुंच गए। रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचते ही वहां खलबली मच गई। रूस के इन तीनों विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के उत्तर पश्चिम के इलाके में उसके बेहद नजदीक उड़ान भरी। रूस के विमानों को जवाब देने के लिए ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने कमान संभाली और दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। रूस के विमानों में एक जासूसी विमान के साथ रूस के 2 सुखोई लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिसकी खबर मिलते ही ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भी उसी इलाके में पहुंच गए। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से वापस चले गए। ऐसी भिड़ंत रूस और ब्रिटेन के विमानों के बीच हुई थी जब काला सागर के ऊपर आसमान जंग का मैदान बन गया। अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर के मुताबिक काला सागर के ऊपर ब्रिटेन के स्पाई विमान के पीछे रूस के लड़ाकू विमान पड़ गए थे। वो तो ऐन वक्त पर मिसाइल दगा दे गए, वरना रूस की मिसाइल ब्रिटेन के जासूसी विमान को खाक में ही बदलकर दम लेने वाले थे। दावे के मुताबिक ब्रिटेन का जासूसी विमान RC-135 रिवेट ज्वाइंट ब्रिटेन से टेक ऑफ करके यूक्रेन सीमा के नजदीक काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। उस वक्त RC-135 में ब्रिटिश वायुसेना के 30 ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस मौजूद थे।
RC-135 रिवेट ज्वाइंट विमान को हवा में रेडिएशन के स्तर को मापने में महारत हासिल है। दावे के मुताबिक उस वक्त भी RC-135 यही काम कर रहा था। वो काला सागर के इलाके में परमाणु गतिविधि का सुराग ढूंढने में लगा था। तभी वो गश्त लगा रहे रूस के Su-27 की नजर में आ गया। अमेरिका की लीक हुई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक काला सागर के ऊपर गश्त लगा रहे रूस के लड़ाकू विमान को उसके कमांड सेंटर से ब्रिटिश खुफिया विमान को मार गिराने का आदेश दिया गया। इसके बाद रूस के Su-27 के पायलट ने ब्रिटिश RC-135 पर एक मिसाइल फायर कर दी। अमेरिका के लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक रूस के Su-27 पायलट को जमीन पर मौजूद एक रेडार ऑपरेटर ने ब्रिटिश विमान के बारे में बताया था, लेकिन Su-27 विमान के पायलट ने उसका गलत मतलब निकाला। रूस के पायलट को लगा कि उसे ब्रिटिश विमान पर मिसाइल फायर करने की इजाजत है। इसके बाद रूस के पायलट ने ब्रिटिश जासूसी विमान पर निशाना साधा और एक मिसाइल फायर कर दी। गनीमत यह रही कि मिसाइल में खराबी आ गई और तीसरा विश्व युद्ध टल गया। लेकिन रूस की ये भिड़ंत काला सागर और बाल्टिक सागर के मीलों का फासला तय कर सीरिया तक भी पहुंच गई है, जहां रूस के साथ साथ अमेरिका की भी फौज रहती है। वहीं बाल्टिक सागर में भी अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर की मौजूदगी को बहुत बड़ा इशारा माना जा रहा है। वो तो गनीमत रही कि अमेरिका के दोनों बॉम्बर पीछे मुड़ गए, वरना अगर रूस और अमेरिका के विमान आपस में भिड़ गए होते तो तीसरे विश्व युद्ध का टलना नामुमकिन होता।